नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हुए भारत आसियान शिखर सम्मेलन इंडिया आसियान समिट में अपने विचार व्यक्त किए, जो कि भारत और आसियान देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण अवसर था। इस महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कई प्रमुख मुद्दों पर जोर दिया और दोनों क्षेत्रों के बीच सहयोग को बढ़ाने पर बल दिया। आइए उनके मुख्य बिंदुओं को समझते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत भारत और आसियान देशों के बीच ऐतिहासिक सांस्कृतिक और सभ्यता संबंधों को रेखांकित करते हुए की। पिछले एक दशक में इस नीति ने भारत और आसियान देशों के ऐतिहासिक संबंधों को नई ऊर्जा दिशा और गति दी है। उन्होंने बताया कि भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के बीच व्यापार संस्कृति और लोगों के आपसी रिश्ते सदियों से गहरे हैं। इन संबंधों को और आगे बढ़ाने के लिए यह शिखर सम्मेलन एक महत्वपूर्ण मंच है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और आसियान देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी की महत्ता को उजागर किया। उन्होंने कहा कि भारत और आसियान की साझेदारी न केवल क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए बल्कि वैश्विक स्तर पर भी महत्वपूर्ण है। इस साझेदारी में व्यापार, सुरक्षा, रक्षा और कनेक्टिविटी के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया। मोदी ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए भारत और आसियान के संयुक्त प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र भारत और आसियान के लिए सामरिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव का उल्लेख किया और आसियान देशों से इसमें सक्रिय योगदान की उम्मीद जताई। प्रधानमंत्री ने आसियान देशों के साथ व्यापार और निवेश के बढ़ते अवसरों की बात की। उन्होंने कहा कि भारत और आसियान के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों पक्षों को नए व्यापार मार्गों और साझेदारियों को विकसित करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने भारत के मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियानों का जिक्र करते हुए आसियान देशों से इसमें भागीदारी की अपील की। मोदी ने कोविड-19 महामारी के बाद स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत और आसियान के बीच सहयोग की सराहना की। उन्होंने कहा कि भविष्य की महामारियों से निपटने के लिए दोनों पक्षों को एकजुट होकर काम करना होगा। इसके साथ ही उन्होंने पर्यावरणीय चुनौतियों और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ मिलकर काम करने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने भौतिक, डिजिटल और लोगों के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने की बात कही। उन्होंने बताया कि सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान से भारत और आसियान के लोगों के बीच संपर्क को और प्रगाढ़ किया जा सकता है। इस प्रकार पीएम मोदी के भारत आसियान शिखर सम्मेलन में दिए गए भाषण ने भारत और आसियान के बीच सभी क्षेत्रों में सहयोग को और सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने का संदेश दिया। आज की वीडियो इतना ही है। अगर वीडियो को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।